मुर्गी मुर्गियों में लगने वाली बहुत सी बीमारी बटेरों में नहीं पाई जाती, लेकिन उनके संपर्क में आने से बटेर भी आक्रांत हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बटेरों में किस तरह की बीमारियां लगती हैं और उनसे बचाव कैसे संभव है। बटेर में मुर्गियों की अपेक्षा बहुत कम बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां बटेर में हैं जिनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें प्रमुख है अल्सरेटिव इंटराइटिस। इसमें बटेर के इंटेस्टाइन के अंदर एक अल्सर हो जाता है जो एक जीवाणु जनित बीमारी है। या साधारणतः बटेर अकेले में झुक कर रहता है, झुंड से अलग रहता है, उसके पंख जो है नीचे गिरे रहते हैं, और जब बटेर मर जाता है, जब हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके इंटेस्टाइन के अंदरूनी भाग में अल्सर पाए जाते हैं जो काफ़ी भयावह होता है। और इससे बचाव के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस लीटर पर हम बटेर का पालन करते हैं वो लीटर बिल्कुल गंदा ना हो। दूसरा कि इसका जो ट्रांसमिशन है, जिनका जो ट्रांसमिशन होता है वो बटेर के ड्रॉपिंग्स, जो इन्फेक्टेड बटेर का ड्रॉपिंग्स होता है उसके द्वारा एक बटेर से दूसरे बटेर में ट्रांसमिट होते हैं। ये दूसरी जो बटेर में प्रमुख बीमारी है उनमें कोक्सीडियोसिस है। कोक्सीडियोसिस भी डीप लीटर और ख़राब रख रखाव की वजह से बटेर में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। इसमें हम साधारणतः देखते हैं कि सारे बटेर्स एक जगह झुंड में एकत्रित रहते हैं, उसके अलावा पंख गिराकर रहते हैं, और साथ में देखते हैं हम कि उनके ड्रॉपिंग्स में खून सना आता है, खून आता है। तो इससे बचाव के लिए हम लोग एम्प्रोलियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जो कोक्सीडियोस्टेट के नाम से मार्केट में मिलता है। अगर हम इसका एक हाफ टी स्पून एक गैलन पानी में हम लोग 5 से 7 दिनों तक उपयोग करते हैं तो हम लोग कोक्सीडियोसिस से निजात पा सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी बटेर में साधारणतः देखने को मिलती है वो हिस्टोमोनियासिस होती है, जो हिस्टोमोनिया मिलियाग्रेटिस जो एक प्रोटोजोआ है उसके द्वारा बटेर में होती है। ये बटेर में सीकल वर्म के थ्रू ट्रांसमिट होती है और ये बटेर के अंदर जाकर उनके लीवर को इफ़ेक्ट करती है और उसको बहुत प्रभावित करती है, और इससे बड़ी संख्या में हमको बटेर में मृत्यु देखने को मिलती है। इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि समय समय पर डिवर्मिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। साधारणतः इसे ग्रसित बीमा बटेर्स में हम ये देखते हैं कि बटेर येलोइस हो जाती हैं, उनका जो ड्रॉपिंग्स होता है वो सल्फ़र कलर्ड का हो जाता है, उन पाँव पंखे झुका के रखते हैं। इन बातों को अगर आप इस लक्षण को देखें तो इससे ग्रसित बटेर को आप झुंड से अलग कर दें और उसका इलाज अलग से करें। तो जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया, बीमारियों के बचाव के लिए कुशल प्रबंधन सबसे अच्छा उपाय है। आहार में अधिक विटामिन और खनिज पदार्थ मिलाना चाहिए। सभी पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। बीमार बटेर को तुरंत समूह से अलग कर देना चाहिए। छोटे एवं बड़े आयु के चूजों को अलग अलग रखना चाहिए। रोग मुक्त समूह से ही चूजों को खरीदना चाहिए। खास करके प्रजनन कार्य के लिए रोग मुक्त बटेरों का ही उपयोग करना चाहिए, और बीमारी होने पर पशु चिकित्सकों की सलाह लेने के बाद ही दवा देनी चाहिए। अब हमारे स्वरोजगारी भाइयों के लिए बटेर पालन संबंधी जरूरी बातें। बटेर के चूजे किसी मान्यता प्राप्त हैचरी से ही लेना चाहिए। इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। चूजों को संतुलित आहार दें ताकि उनकी बढ़वार अच्छी हो और उनमें रोग रोधिता भी बढ़े। दाना पानी देने वाले बर्तनों को दिन में कम से कम एक बार साफ जरूर करें। बीमार और कमजोर पक्षियों को झुंड से अलग रखें। बीमारियों से निदान के लिए बटेरों का मरणोत्तर शव परीक्षण जरूर कराएं।